का या स्पेक्ट्रम फोटोमीटर एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट था। किस तरीके से स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, वो कुछ ग्राफ डायग्राम आपको बताए गए थे। उसमें एक सोर्स ऑफ रेडिएशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, या हाई सोर्स या रेडिएशन में जाते थे। रेडिएशन क्या क्या हो सकते हैं केवल आपके सामने है, इनके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, कुछ एक ब्रीफ में थोड़ी सी बात की गई थी। फिलहाल लिखाने का टाइम नहीं है, आप कहीं से भी हर चीज़ का एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं या देखते हैं। रेडियो वेव का क्या एप्लीकेशन, हमने कहा था एक फ्रेज में ये रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है मनोरंजन में। आंकड़े दुनिया में बात करें तो कोई 93 करोड़ लोग रेडियो आज की डेट पर इंडस्ट्री है रेडियो की, वो ये बात करती है कि करीब 93 करोड़ लोग रेडियो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कभी स्मार्टफोन के माध्यम से हो सकता है, कभी नॉर्मल रेडियो जो पहले आते थे कन्वेंशनल रेडियो, कभी 2E1 3E1 के नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं, या तमाम एप्लीकेशन हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन के तौर पर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या कंपनीज हैं, वॉकी टॉकी जिसको कहते हैं, वो सब के सब रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते हैं। इंटरकॉम सिस्टम्स हैं या वायरलेस सिस्टम्स हैं, दो तरह का ट्रांसमिशन हो सकता है, विदवायर और डाउट वायर। विदाउट वायर तो लोग नॉर्मल डिस्टेंस के लिए होता है, ब्लूटूथ कहते हैं, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो वायर कम्युनिकेशन कहते हैं। आर्मी मिलिट्री या पुलिस तंत्र जो भी है, सुरक्षा तंत्र जहाँ का भी है प्राइवेट हो या, उन सब में इस तरह के जो हाथ में या पॉकेट में या गले में लटका करके आजकल तमाम डिवाइसेज लेकर के घूमते रहते हैं, वो सब रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, या वाकी टाकी पुलिस की भाषा में कहते हैं। और मल्टी स्टेज बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन है, ऊपर से नीचे बात करने के लिए जो सोकाल मजदूर या एक्सपर्ट्स हैं ऊपर टेक्नीशियन, उनसे बात करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड रेडियो वेव आर वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कैसा है, बात में डिवाइड किया जा सकता है, वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है, पुलिस वन वे कम्युनिकेशन करती है, वायरलेस से SSP कोई बात करता है कि कुछ लाइसेंस होते हैं, सिटी का वायरलेस अलग है, रूरल एरिया का वायरलेस अलग है, दोनों को मिला के भी एक वायरलेस होता है, वहाँ शहरों को मार्गों में डिवाइड किया जाता है। यानी आप लोग शहर में देखेंगे सिटी नाम की पोस्ट होती है, रूरल एरिया में देखें SP RA SP रूरल होते हैं, उनको एक पोस्ट होती है। इसी तरीके से दोनों को मिला के दोनों के ऊपर SSP सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट यहाँ बहुत बड़े होते हैं। SSP के पास एक ऐसा वायरलेस होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक साथ काम कर सकता है, चैनल होते हैं, फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल, थर्ड चैनल, इस तरह के कुछ चैनल हैं उसके पास। SSP के पास जो वायरलेस है वो शॉर्ट वेव में भी काम करता है, मीडियम वेव में काम करता है। शॉर्ट वेव का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, उसका रेंज बहुत ज़्यादा आता है, एक शहर एक जगह से दूसरी जगह सिटी के अंदर बात कर सकता है, वो नॉर्मली मीडियम वेव में बात करता है। लेकिन अगर एक शहर से उसको रूरल एरिया में बात करना है, से फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद की परसीमा करीब 78 किलोमीटर है, जो कि कोरांव सबसे लास्ट है, यहाँ से 78 किलोमीटर पड़ता है पूरा जगह। इसी तरह 78 किलोमीटर तक अगर जाएंगे तो भदोही का डिस्ट्रिक्ट बनता है, अगर पटना की तरह आगे आगे इसी तरह किसी और डायरेक्शन में जा सकते हैं, फतेहपुर के डायरेक्शन में जाएंगे, आजकल वो सामने ब्रेक हो गया तो इसका पहले परसीमा 78 किलोमीटर है। इलाहाबाद और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, लेंथ वाइज, पॉपुलेशन वाइज, या कई तरह से इसमें देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट भी सबसे ज़्यादा है, सबसे थाने भी इलाहाबाद में ज़्यादा हैं, 36 स्टेशन हैं। क्या इस तरह की बात की जाए प्लानिंग में, तो कम्युनिकेशन करने के लिए रेडियो वेव सबसे सस्ती, सबसे अच्छी, इन द सेंस कि इसका कोई एडवर्टाइजमेंट जल्दी से नहीं मिलता है, कोई थोड़े बहुत मिलते हैं, हमने बताई थी एनर्जी बहुत कम होती है, 10^-6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिवली इस्तेमाल होती है। तो रेडियो को सुनने के बाद या रेडियो वेव निकालने के बाद किसी बॉडी में कोई खास खास परिवर्तन नहीं होता है, यानी एक रेडियो बजा दीजिए, रेडियो खराब नहीं होता, देखते बहुत लाभ असर होकर लंबे समय तक चलता है। आपका और पार्ट हो सकता है, कैमरा खराब हो जाए, मोबाइल की बैटरी खराब हो जाए, लेकिन रेडियो वेव का असेसमेंट जल्दी से खराब नहीं होता है, टेस्टेबल सिस्टम है। कुल ये कम्युनिकेशन बहुत तरीके का है, आजकल रेडियो प्रोग्राम्स शिक्षा जगत में खूब इस्तेमाल किए जाते हैं, कम्युनिटी रेडियो नाम आ गया इनका, यानी आप एक छोटी सी मान लीजिए हॉस्टल के अंदर ही कुछ करना है, कोई किसी को कमरे से नहीं बुलाना है, तो आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके या वायरलेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके कमरे तक उसको अपनी बात उसी सो कॉल्ड वॉकी टॉकी सिस्टम से पहुँचा सकते हैं। अगर एक स्पीकर लगा दिया जाए कमरे में, स्कूल में सबने
पब्लिक एड्रेस सिस्टम या लाउड स्पीकर सुना होगा, प्रिंसिपल कुछ होते हैं आजकल साउंड सिस्टम कमरे के अंदर लगा दिए गए, उसमें कुछ खर्च आता है, बैटरी लगती है, तमाम और चीज़ें लगती हैं कम्युनिकेशन की दुनिया में। एक्सपेंसेस मेंटेन करना किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए कठिन होता है, अनलेस अदरवाइज जो बेनिफिशरीज हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं उससे ना सुना जाए, आपसे नहीं सुना जाएगा तो इसको मेंटेन नहीं किया जा सकता है या बहुत कम सुना जाता है, इसलिए इतने गंदे फंदे लेक्चर आ रहे हैं। अगर इसकी फीस 2 लाख रुपये कर दी जाए तो आपके लिए सुविधाएँ अच्छी हो जाएगी, या आप तमाम स्कूलों में जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा आप देखते हैं लोअर स्कूलों में पढ़ता है उनके स्कूल कॉलेज का मैनेजमेंट काफ़ी कुछ ज़्यादा सुधरा हुआ आपको लगता है बजाय यूनिवर्सिटी में, सपोज भी वहाँ पे यहाँ सब कुछ आप खुद कर लेंगे। बड़ा सवाल है क्या आप सफाई भी खुद कर लेंगे, क्या ऐसा होता है? आप अपनी कुर्सी भेज आपसे कहा जाए साफ करिए तो नियम साफ नहीं करेंगे। ये तमाम सुविधाएँ फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स पर या इकोनॉमिक्स पर या कास्ट पर पर्सन पर निर्भर करती हैं। तो रेडियो वेव जो थी वो तीन हमने सेंटेंस तीन वर्ड बताए थे। पहला मनोरंजन के लिए बहुत इस्तेमाल होती है, किस तरह के गाने, किस तरह के संगीत, किस तरह की सूचनाएँ आप देखते हैं वो होता है मनोरंजन के, नाटक से लेकर के गीत से लेकर के संगीत से लेकर चुटकुलों से लेकर के हर चीज़ एक समान होता है रेडियो की दुनिया। आज तमाम विधाएँ और भी मौजूद हैं हमारे पास, श्रव्य के साथ साथ जो है देखने वाली भी चीज़ें मौजूद हैं। तो रिक्रिएशन हो सकता है, इससे कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन आर्मी से संबंधित लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। रेडियो का इनिशियल एप्लीकेशन ज़्यादातर ऐसी दुर्गम स्थान जिसको कहते हैं जहाँ पर आदमी नहीं जा सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, या पहाड़ी इलाका है या समुद्र के अंदर बात करनी है कोई लड़कों से या किसी से में, ये तमाम तरह के जो शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन है उसके लिए सबसे बढ़िया डिवाइस होती है। ये कम्युनिकेशन के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए है। आज की डेट में ढेर सारे जो है प्रोग्राम्स पढ़ाई के इसी से चल रहे हैं रेडियो कम्युनिकेशन से, तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या तमाम बाढ़ आ जाती है जिलाधिकारी इसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ से एजुकेट करने के लिए लोगों को, तमाम दंगे फसाद हो जाते हैं, आप तमाम चीज़ें सुनते हैं। यहाँ तक कि आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी अपने मन की बात कहने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, आप देखते हैं उनके कुछ प्रोग्राम्स आते रहते हैं, कभी खबर की बात करते रहते हैं। तो कम्युनिकेशन शॉर्ट टर्म या कहीं एक छोटे से रीजन में करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये रेडियो, ज़्यादातर रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं या ब्लूटूथ टाइप की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कि अगर शॉर्ट टर्म में काम करते हैं कोई काम तो उसको ब्लूटूथ की कुछ लिमिटेशन है कि 5 मीटर से 10 मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकती, लेकिन ये जो सो कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन है इसकी लिमिटेशन नहीं है, बहुत दूर तक जा सकता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोई जिलाधिकारी अगर बात करना चाहता है तो टेलीफोन का इस्तेमाल करता है, वायरलेस की सीमा नहीं होती, क्योंकि वायरलेस की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, रेडियो कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलर्ट है, इसी डिस्ट्रिक्ट में सिटी के लिए कुछ और अलर्ट है और रूरल एरिया के लिए। देखिए हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी वेरिएबल ऑसिलेटर हो जिससे फ्रीक्वेंसी वेरी करे तो शहर में भी बात कर सकते हैं। नॉर्मली जो पुलिस तंत्र है या जो बड़ा तबका है हमारे यहाँ पुलिस का, वो गृह मंत्रालय से भी सीधा अटैच होता है, क्योंकि जो IPS हैं ये स्टेट सर्विसेज में तो होते हैं, स्टेट के आदमी होते हैं, स्टेट का होता है, सेंट्रल के आदमी होते हैं, यानी अगर वस्तु स्थित बन जाए तो गृह मंत्रालय का आदेश मानते हैं, बातों की सिस्टम है ऐसा नहीं है कि इनको कहाँ से आदेश मिलता है। तो इनके पास एक चैनल ऐसा होता है कि सीधा फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करते हैं, एक ऑसिलेटर सिस्टम होता है, एक मशीन होती है जिससे ये फ्रीक्वेंसी को सीधा डायरेक्टली या जो कमांडोज आते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होते हैं, इनको अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो किसी से आदेश नहीं लेते हैं, जिस सोकाल BMP के साथ हैं इनको आदेश केवल अपने सोकाल अधिकारी को गृह मंत्रालय बताना होता है, कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास इतने पावर्स होते हैं, यानी कोई रूल्स रेगुलेशन पुलिस का उनके ऊपर नहीं लगता है, खुद निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, केवल उनका आदेश होम मिनिस्ट्री के अंदर कोई डिपार्टमेंट है होम सिक्योरिटी मोशंस को उससे केवल आदेश देते हैं। यानी यहीं से उस रेडियो के माध्यम से जो छोटा सा पॉकेट रेडियो वॉकी टॉकी जैसा उनके पास एक सिस्टम होता है बहुत पावरफुल होता है शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन में। शॉर्ट वेव से लेंथ बहुत बढ़ती है, वेवलेंथ बहुत बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो V=Pn λ का फार्मूला लगता है। इन अदर वर्ड रेडियो वेव कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में, एक डिस्ट्रिक्ट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको बात करना है तो रेडियो की प्रणाली जरा वेव हो जाती है। रीजन ये कि जैसे वेव जाती है एटमॉस्फेयर में उसकी इंटेंसिटी घटती चली जाती है मिशन कोएफिशिएंट से और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते जीरो हो जाती है। तो डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो तो उसमें रेडियो फेल हो जाता है, या उसकी वॉइस क्वालिटी या ये कह सकते हैं कि जो क्लैरिटी आपकी
मैसेज है वो सही नहीं होता है, तो उसकी वजह से दूसरी और एप्लीकेशन जिसका नाम माइक्रोवेव है वो इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव का एक पार्ट हमने कहा था 10^9 से 10^11 का जो है वो मोबाइल कम्युनिकेशन में, उसमें ड्रॉबैक है रेडियो में कि आजकल तो रेडियो लाइफ लेकर के यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। इनिशियली इतने बड़े बड़े रेडियो 3-3 मीटर के रेडियो होते थे, तो एक जगह रख दिए जाते थे और अगल बगल बैठ कर के सुनते थे। ये रेडियो की प्रॉब्लम थी शुरू में, कि कुछ दिनों बाद थोड़ा और छोटे हुए, अब पोर्टेबल रेडियो आ गए हैं, जहाँ मर्जी है वहाँ लेकर के आप जा सकते हैं। आप देखते हैं रास्ते चलते तो कान में हेडफोन लगा करके, ये मीटर्स रेडियो होते हैं, हाफ मीटर्स रेडियो होते हैं, 1.5 मीटर्स एंड 2 मीटर रेडियो हैं, पॉकेट रेडियो कहलाते हैं। ये पॉकेट में डाल करके आप चले जाते हैं आराम से मोबाइल में सुनते चले जाते हैं। टेक्नोलॉजी कुछ और आगे बढ़ रही है, अब इतनी बढ़ गई है कि आप एक अंगूठी के रूप में आप सब चीज़ों को पहन सकते हैं, यानी कैमरा भी है उसमें, डीवी है, नए जो बैंड टेप आए हुए हैं, फ्रंट से बैंड आया हुआ है, उंगली में आप आगे गूगल की तरह सब कुछ उसी उंगली के अंदर है, आप उंगली दिखाई देगी उसी मैसेज आपका ट्रांसमिशन सीधा वीडियो ट्रांसमिशन होगा। यानी जो नए प्रोसेसर हैं उनकी क्षमता इतनी ज़्यादा है कंपेटिबिलिटी की, 13 बैग्स में साइमल्टेनियसली आप टीवी भी देख सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेशन भी कर सकते हैं छोटे से रेजोल्यूशन में। ये तमाम टेक्नोलॉजीज हैं, आपके बीच में भी रेडियो दिखाई पड़ सकता है, यानी जंगली में जो दिखाई पड़ेगा वो पीछे भी सिग्नल की तरह। तो नई टेक्नोलॉजी जिसको ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी भी कहा गया है, या तमाम तरह की नई टेक्नोलॉजी आपके सामने आ रही है। ये माइक्रोवेव 10^9 से 11 तक मोबाइल कम्युनिकेशन, जो फिक्स कम्युनिकेशन था उसको बदल करके इस दुनिया में जो टेलीफोन की दुनिया है, आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन की दुनिया है, चलते फिरते कूदते फांदते कहीं से भी बात कर सकते हैं, आप लेट के बात कर सकते हैं, आप लटक के बात कर सकते हैं, कोई हो कभी कोई वीडियो की दुनिया आएगी, तो ये तमाम कारनामे सबको और नया नया सीखने पड़े, कैसे बात करें, लेट के बात करें, बैठ के बात करें, किसी पेड़ में चढ़ के बात करें, वहीं बात करें, कोने में बात करें, छत से बात करें, सिपली की तरह बात करें, ये तमाम तरह के नए कम्युनिकेशन के सिस्टम आने वाले हैं, या पूरी वीडियोग्राफी आएगी, वीडियो कम्युनिकेशन 5G में आ रहा है आपके सामने, बहुत सस्ता होकर के आ चुका है, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा सा आदमी सही रहता है, बैठ के ही बात करता है, कोने कोने की बात करता है, फिर गैलरी की तरह लटक के बच्चे बात करेंगे, देखिए कि हम यहाँ हमें लटके हुए दिखाई पड़ेगा, या तमाम इस तरह के कारनामे होंगे। तो ये कम्युनिकेशन को छोड़ दें, और 10^11 से 10^12 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव में, वो एक मार्केट कब्जा करके जिसका नाम माइक्रोवेव बाजार में देखते हैं, गोवर है खाना पकाने के लिए, इन द वर्ल्ड कि खाने की क्वालिटी या फूड ग्रेन्स की क्वालिटी बदलने के लिए माइक्रोवेव का काम या माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह नई दुनिया है, माइक्रोवेव काफ़ी घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अब इसको जरा किसी और तरीके से कि फूड ग्रेन्स की जो फूड है उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए ग्रेन में भी परिवर्तन करना पड़ता है, तो केवल ग्रेन में थोड़ा सा माइक्रोवेव डाल करके नई तरह की फ्रूट में माइक्रोवेव डाल करके जो जल्दी पकाने का प्रोसेस है, पेड़ में ही इस प्रोसेस को बढ़ाने का प्रोसेस है। अगर एक हेलीकॉप्टर से एक बड़े पेड़ में तमाम यहाँ पर फल लगे हैं, किसी तरीके से माइक्रोवेव डाल दें, एरिया बड़ा कर दें सप्लाई का, तो उस पेड़ की फलों की क्वालिटी बदल जाती है। या ये देखा गया कि जो अभी हम जमीन पे पकाते हैं तमाम पेप्टिसाइड्स या इस तरह के लगा करके, उसको पेड़ में ही इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर सकते हैं, यानी हीटिंग हो सकती है। यानी मान लीजिए प्याज और गेहूँ से पका पकाया भोजन चाहिए, गेहूँ के खेत में ही ये माइक्रोवेव डाल देंगे, पक करके वहीं से आ जाएगा। आपको चावल पका पकाया चाहिए तो घर में पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पे माइक्रोवेव डालेंगे, खेत से ही पका हुआ। मैं बहुत पहले बात की थी कि अगर ऐसा हो तो खेत से बन जाए, और दिस इज द टेक्नोलॉजी विच इज वाइडली यूज नाउ इट कि इसको हम कर सकते हैं। कुछ दिक्कतें हैं कि कौन वहाँ डाले जाए पूरे खेत में, तो ड्रोन नाम के एक सज्जन आ गए हैं जो सब काम कर रहे हैं आजकल, तो देखते हैं ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी आगे चल करके हो सकता है इतनी सस्ती हो जाए, इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, इंडस्ट्री सब जगह बदल जाएगी, खेत में अपने आप इंडस्ट्री लग जाएगी, यानी किसी को लगाने की आवश्यकता। तो इस दिशा में जरा टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी है अभी आज के थोड़े इंकन्वीनियंसेज हैं, कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, कैसे मैन पावर को ट्रेंड किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में शब्द दिखाई पड़ सकता है। हो सकता है साइकिल में ही आपके पीछे मडगार्ड में एक पोर्टेबल माइक्रोवेव ओवन रख दिया जाए, पीछे खिचड़ी पकती रहे, आगे आप चलते रहे, क्लास खत्म हो, बात है जल्दी है, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं साइकिल में आगे बत्ती लगाए, बत्ती की जगह हीटर लगा दो।
बाकी उसी में से नहीं बत्ती जहाँ चला रहे हैं 40 वाट के छोटा सा क्वाइल लगा दें, बिल्कुल सिंपल है। छोटे बच्चे की सब बाईसाइकिल लीजिए, जहाँ उसकी आगे बत्ती लगी थी उसकी जगह आप छोटा सा एक हीटर लगा दीजिए, उसमें एक कप प्लेट के बराबर थोड़ी सी चाय रख दीजिए। यहाँ टीचर को दिखा दिए आपका फर्स्ट क्लास बल्ब की जगह थोड़ी सी बुद्धि लगा के एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, कुछ नहीं किया। बच्चों की आती हैं गाड़ियाँ, आपको ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कौन बनाएगा? ये तो बीएससी का ही कोई स्टूडेंट बना सकता है, तो बच्चे नहीं बना सकते इसको। हो सकता है कभी कुछ करके लिया है, या आपको बता दें कि इसमें खाना पकाना है, हो सकता है कि डेयरी के बच्चे को या किसी के बच्चे को पका के लिया है, आपके सामने आमलेट बना करके लिया है, अगर उनको बताएंगे आप इस तरह की प्रक्रिया। लेकिन है कितना छोटा सा है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और आपको नहीं समझ में आता, नहीं बदलना है, तो ये LDR लगा दीजिए, उसके आगे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस लगा दीजिए, कुछ लाइट को यानी वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस लगा दीजिए, इंटेंसिटी कम ज़्यादा करिए, तो जैसा चाहे अच्छी सी टमाटर की चटनी बना सकते हैं आप, उसे पका पका करके गंजी भून सकते हैं, मूँगफली भून सकते हैं। तो ये तमाम माइक्रोवेव ओवन के नए तरीके खाने के आ सकते हैं या बना सकते हैं। आगे चल करके एक नया बाजार बीबी बाजार करीब करीब कब्जा है बाजार में, जिन होटलों में होटल उसे कहते हैं जहाँ स्वादिष्ट भोजन मिलता है, कुछ मिलता है, अच्छा मील्स उसे कहते हैं, काम चलाओ जो पेट भर लेते हैं तमाम हॉस्टल की में से लोग भर लेते हैं, तो खास करके खाते नहीं है फूड उसको कहते हैं जो यानी अगर किसी होटल में आप जाते हैं तो आप फूड मिलता है, फूड का मतलब आपका मनचाही स्वाद मिलता है जो भी ऑर्डर करते हैं, लेकिन किसी एक जगह पर जाते हैं तो खाना मिलता है, घर में फूड नहीं मिलता, खाना भी आने का मतलब है कि जो भी जाओ खा लो आपको स्वादिष्ट से कोई मतलब नहीं, ज़्यादा होगा 3 बार भी आप पड़ जाएंगे जब से। ये जो तरीका है इस चीज़ में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है माइक्रोवेव ओवन बहुत ज़्यादा, और करीब करीब आगे का जो भविष्य दिखाई पड़ रहा है लगता है कि खाने की दुनिया में इसका कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन हो रहा है, एक्सेप्ट कि अगर खेत से ही पक के आ गया, वहीं पर भट्टी लग के आ गई या वहीं से बन करके आ गया, बहुत सा सामान खेत से पक करके आ रहा है, तमाम फल पक करके आ रहा है, आप भी बताते हैं, लेकिन आप देखते हैं तमाम दुनिया आज की न्यूज़ देखेंगे तो पता चला जो सो कॉल्ड ब्रांडेड नमकीन है आउटडेटेड हो जाता है, टाइम बार्ड हो जाता है, वो जानवरों के लिए 10 रुपये के जी बेच दिया जाता है, और इलाहाबाद के भाई लोग हैं कि उसको खरीद करके 5-10 रुपये किलो का नमकीन हल्दीराम का रीपैक करके हल्दीराम में ही बेच रहे हैं, ये आज पकड़ा गया कोई कैंड इलाहाबाद में, आप सोच सकते हैं 10 रुपये किलो बेचते और यहाँ भाई लोग फिर अभी को पैक करके उसे हल्दीराम के खुले में दे देते हैं, काफ़ी हाईकोर्ट ने इसको कर दिया रात ये पकड़ा है। पॉइंट इज कि जो माइक्रोवेव है इसके बहुत से एप्लीकेशन है, हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, नहीं समय मिलेगा तो थोड़ी सी बात करेंगे, पर ये नए इमर्जिंग एरियाज हैं जहाँ तमाम हेल्थ सेक्टर से लेकर के फूड सेक्टर से लेकर के और तमाम नए सेक्टर जिसको हम लोग हेल्थ के साथ साथ ये पोषण एक नया सब गवर्नमेंट ने निकाला है, पोषण मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय है, जहाँ पर तमाम न्यूट्रिशन की बात की जा रही है कि आदमी के हेल्थ को ठीक करने के लिए न्यूट्रिएंट का होना पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये किसी को बच्चों से दिए जाए तो खट्टा खट्टा होगा और फिर उसका बॉडी से लेकर के माइंड तक जो भी है वो और बढ़ सकता है, शायद कालांतर में पिछले कुछ समय में हम लोग अगर इसी पोषक तत्वों को बहुत खाते रहे, नेचुरल इंग्रेडिएंट को खाते रहे तो शायद इसलिए बीमार नहीं होते थे, यहाँ तक कि मेडिकल हेल्थ इतना अच्छा था कि लोग जो है मरे हुए आदमी की चिंता करते थे, ये विशेषता केवल और केवल हिंदुस्तान की चिकित्सा में थी, वो चाहे सुखेंद्र वैद्य रहे हों ऐसे लोग थे या आचार्य चरक जैसे ऋषि रहे हों, चमन प्राप्त जैसे लोग रहे हों, मना करके चले गए आप खा खा के मुझते हैं, लेकिन अब कोई इस तरह की और डिस्कवरी होनी चाहिए कि कई पीढ़ी तक खाना ही न पड़े, ये तो पहली पीढ़ी की आचार्य चरक ने सिर्फ एक ही लाइफ की बात की है, एक ही लाइफ में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दूसरे लाइफ में दूसरे साल दूसरी बार जब जियेंगे हम लोग 7 बार कम से कम हिंदुस्तान की मेट्रोलॉजी में मरते जीते हैं, तो अगर दूसरे बार स्वास्थ्य खराब हो गया तो पता नहीं क्या जिंदगी होगी, तो दूसरे पीढ़ी के लिए भी आपको स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, यानी फादर अट्टा कट्टा हो सकता है अगर उसके बच्चे अट्टे कट्टे नहीं हैं, एक ड्रॉप पोलियो से बच सकते हैं आप, देखिए जिंदगी बच जाती है सेकंड स्टेज की। और फाइनली ये तमाम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पोर्शन हैं इनके बहुत से नए नए एप्लीकेशन हैं, हम हमारे आपके कोर्स में असंख्यक ऑप्टिकल रे हैं यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रोग्राफ हैं या स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं उनमें से ऑप्टिकल रेज हैं और 3 रेज बात की गई थी इसमें IR इंफ्रारेड रेडिएशन या विजिबल या अल्ट्रावायलेट एक्सरे और गामा रे, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की दुनिया में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आप देख रहे हैं,
फाइबर एप्लीकेशन देख रहे हैं या आई आर की तमाम एप्लीकेशन हैं, हम इसके बाद बात करेंगे। जरा अभी पहले बात कर रहे थे कि सोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कंटिन्यूस सोर्स हो सकता है, तो डिस्क्रीट सोर्स हो सकता है, डिस्क्रीट में लाइन हो सकता है, बैंड हो सकता है, लाइन बैंड और कंटिन्यूस, क्या ये बात पहले से बताई गई थी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ बात कर रहे थे, उसी में से दो इंस्ट्रूमेंट आपके कोर्स में हैं, और इस बात ने युवा गहरा ये
रिलीवर्स नहीं है इसका, यहाँ पर ये ब्रैकेट में शरीर किया जाए कि आपको समझ में आ जाए कि फाइन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जब स्पिन और ऑर्बिट इंट्रैक्ट करके एडिशनल एनर्जी लाइट एनर्जी को स्प्लिट करता है और बदली स्पेस जो लाइट एनर्जी उनको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। लेकिन अगर वो स्प्रिन के बजाय न्यूक्लियर की स्प्रिन से स्पिन हो तो और कम हो जाता है। नॉर्मल कोर्स में देखा गया इसका ऑर्डर 10^-3 mm का होता है फाइन स्ट्रक्चर का, और हाइपर फाइन का 10^-6 mm या माइक्रोन ऑर्डर का होता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको बहुत हाई, आपके पास जो माइक्रोमीटर्स हैं इसको के हो सकता है 7 meters हो सकता है, और उनकी डिस्पर्स पॉइंट से दूर और की है तो जल्दी से इस डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते हैं। ये एक स्पेशल डिवाइस जिस दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यानी 10^-3 जो सेंटीमीटर है उसके आगे की जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सब लाइट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट से ही संभव है, बना बाकी किसी इंस्ट्रूमेंट से संभव ही नहीं। आपको 10^-25 मेजर करना है, दैट इज ओनली लाइट या लाइट के ही टर्म्स में मेजर करना पड़ेगा, आपके पास कोई आता नहीं। तो इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, आप पहले ऐसे समझ लीजिए एलजी प्लेट एक लॉन्ग ग्लास की या जो है क्वार्ट्ज की प्लेट होती है जिससे दी से लॉन्ग डिस्टेंस कोई प्लाट प्लेट है, इसलिए 10-20 cm की ये ग्लास की प्लेट हो सकती है या क्वार्ट्ज की प्लेट, ग्लास और क्वार्ट्ज की कोई प्लेट है ट्रांसपेरेंट जिसको कह सकते हैं क्वार्ट्ज की प्लेट है, इसकी लेंथ जो है 10-20 cm के बीच में आती है। ये विड्थ है कुछ मान लीजिए 20 cm की है, ये नॉर्मली 1-2 cm के बीच में होती है। इसके एक इंड पर इस इंड पर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल एक राइट एंगल प्रिज्म लगा होता है, वन ऑफ दी ये राइट एंगल प्रिज्म इज सीमेंटेड, और यहाँ पर कोई ये राइट एंगल प्रिज्म है यहाँ पर मैं कोई स्टैंडर्ड सोर्स लिया सपोर्ट कर लीजिए और इसे एक लाइट आई जाएगी इधर, देर इधर, देर इधर, देर इधर, देर इधर,
ये हमने एंगुलर प्रेसिडेंस यहाँ का थोड़ा लोअर सर्फेस पर दिख रहा था, इसको हम आर कहते हैं। यहाँ पर ये इमरजेंस एंगल है, इसी आई हो गया। ये कुछ मैथमेटिक्स के लिए सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ इस सो ये लेंस है, दिस इज दी लेंस, नॉर्मल लेंस है, एंड दिस इज दी इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न। जो के बेस्ड है वो इंटरनल पैटर्न पर था, वो स्पेस की डार्क थी, इज नथिंग मोर देन दैट। तो ये एक सेंटेंस का एनर्जी प्ले इज हाई रिगार्डिंग बाय इंस्ट्रूमेंट बाय टीम यूज फॉर द स्टडी ऑफ फाइन एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर सेपरेशन। द एनर्जी प्ले, द एनर्जी प्ले कंसिस्ट ऑफ, ए प्लेट, ए ग्लास आर क्वार्ट्ज प्लेट, ग्लास आर क्वार्ट्ज प्लेट, क्वार्ट्ज प्लेट ऑफ लेंथ, ऑफ लेंथ 10 टू 20 सेंटीमीटर एट 1 इंच ऑफ द, एट 1 इंच ऑफ द प्लेट, 1 इंच ऑफ द प्लेट। अब ये प्लेट क्वार्ट्ज की हो सकती है, बड़ा है आपकी सेटिंग, जैसे आप इसलिए करते हैं एक्सटेंडेड से।
अगर कोई कोई पॉइंट बनाते हैं लेजर है, इट इज ए पॉइंट सोर्स है कि उसमें बहुत ज़्यादा आफिस नहीं है, आपको एग्जैक्ट अलाइनमेंट करना पड़ेगा। एक्सेलरेटेड सोर्स है उससे लाइट हमें अलाउ की तो फार ऑन दी हेडिंग एंगल व्हिच इज टोटली रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वर्क इन द डीप प्लेट। यहाँ पर से दो पार्ट होंगे, इट इज वन पार्ट इन पार्शियली इट इज गोइंग टू द अपर पार्ट और ये कुछ निकल करके आपके पास आ गई एट द अपर सर्फेस। ये एट द अपर सर्फेस the light ray is again undergoes partial reflection and partial transmission दिस प्रोसेस अगेन गोइंग ऑन। जो रिफ्लेक्टिव तो बाहर नहीं वो नीचे की तरफ आई, वो लोअर सरफेस तक आई, फिर दो भागों में टूटी। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड एंड टू सेट अप ट्रांसमिटेड रेज set up transmitted rays are obtained. The first one is is in the upper phase while the second one on the interference fringes are
सी एक अच्छी चीज में ये है, स्ट्रेट लाइन इन शेप, शेप उनका कैसा होगा, सब स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू दी लेंथ ऑफ द प्लेट होगा। कुछ भी चीजें अच्छी चीजें इसमें से इधर तरह मुझे बना रहा है, पैरेलल टू दी स्केल डिजाइन कर सकते हैं, तो फ्रिज का शेप जो है ये स्ट्रेट लाइन के बजाय बदलेगा, यानी ये जो है अगर आप ग्रोथ उसके बदलेंगे, साइज बदलेंगे, स्केच आप इसी तरीके से उसमें लगा सकते हैं। स्केच की डिजाइन आप खुद मान लीजिए, आपने गोल गोल सांप जैसा एरो बना दिया, एक सर्किल बनाया उसको तीन भाग में तोड़ दिया, तो फ्रिज का जो ट्रांसमिशन पैटर्न होगा वो भी चेंज होगा। सिनेमेटोग्राफी में वाइट इस्तेमाल करते हैं इस तरह की ट्रिक्स को, यानी छोटे से पार्ट को, तो लेंथ आपकी पैरेलल टू दी लेंथ ऑफ दी प्लेट। अब इंटरफेरेंस का चीज लगा सकते हैं, तो लेट अस दिस इन दैट, तो ये चीज में थोड़ी सी एक चीज थोड़ी सी बनेंगे। नाउ ओनली दी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, दी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, दी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, the reflection coefficient of the prism of the prism, and this one basically the prism and plane, the normal reflection coefficient and angle of incidence, angle of incidence of the light, of the light is adjusted. In adjusted, in such a way that internal reflection occurs in such a way that reflection losses must be minimized. एक कंडीशन है इसमें, ये बात कहने में सरल है, लेकिन जैसे ही लाइट यहाँ से चली, ये रिफ्लेक्ट हुई, हर रिफ्लेक्शन में 14% लॉस होती है, तो यहाँ 14% गई, यहाँ भी 14%, यहाँ पहुंचेगी नहीं, ये बीच में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन से खत्म। तो इसको इस तरीके से कुछ एडजस्ट करना है, इंटरनल लॉसेज ना हो, ये 14% के बजाय कुछ कोटिंग वोटिंग कर दें तो मिनिमाइज हो जाए, तो एडजस्ट फॉर दिस
area, the area total internal reflection. अब ये देखिए बड़ा बहुत ध्यान देना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सबको मालूम है, तो बाधित एरिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कॉन्सेप्ट था क्रिटिकल एंगल का, एंड क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल ऑन एरिया पार्ट एरिया रिफ्लेक्शन बाधित इज एरिया इंटरनल क्रिटिकल एंगल इज यूज क्रिटिकल एंगल क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एरिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करने का पहला काम क्या होगा, इसमें लाइट कम हो जाएगी, मकसद पूछते हैं क्या यूज है टोटल इंटरनल, क्या सुपरमेसी है, इंसिडेंस भी हो सकता है, तो एक चीज से क्या है कि परफेक्टली लाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप एनर्जी थी यहाँ वो होल्ड करता है इसमें, तो आपकी ब्राइटनेस क्या हो जाती है उसकी इसमें इमेज की बढ़ जाती है, जो आप बेसिक पार्ट वगैरह में मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पढ़ते थे उसमें ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है, इसलिए सोर्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो आपका सो कॉल्ड स्पेक्ट्रल पैटर्न प्रोड्यूस होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत, बल्ब बहुत तेज चलता है लेकिन आप जो पैटर्न बनाते हैं वो बहुत सा ब्लड हो जाता है, इस थीरी को इस्तेमाल करने से ये लॉसेज मिनिमाइज होंगे, मिनिमम लॉस हो गया, तो हर सरफेस पर जो टकरा रही है आपने इस तरह का प्रिंट लिया, एक इंच पर इधर गिरी, एक इंच पर इधर गिरी, 14% लाइट इधर बेकार हुई, 14% इधर, इतना मिनिमम लॉस, इसके अलावा क्रिटिकल एंगल पे आपने नहीं किया, एंगल बदल सकते थे आप, अगर क्रिटिकल एंगल होता है तो मैक्सिमम इल्यूमिनेशन मिलेगा, नो लॉस आप पाएंगे, तो पहली चीज वन ऑफ द सुपरमेसी ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना इज देयर इज नो लॉस ऑफ लाइट, देयरफॉर इफ यू से लाइक दिस वन द ब्राइटनेस ऑफ द जो पैटर्न बना वो मैक्सिमाइज हो जाता है या मैक्सिमम होता है, पहला या तो क्रिटिकल एंगल की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं सो दैट मल्टीपल बीम ज्यादा से ज्यादा लेंथ कवर, क्या यूज होगा आगे चलकर की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट नाउ ये कंडीशन थी इसको छोड़ते हैं, नाउ कमिंग टू दी इंटरफेरेंस पैटर्न बना, तो कुछ इंटरफेरेंस दिने तीन कंडीशन होती है, इक्वेशन होती है इंटरफेरेंस इक्वेशन या रिफ्रैक्शन इक्वेशन या रिफ्रैक्शन कंडीशन, तो इसकी लेट अस एज्यूम दैट म्यू बी दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू बी दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑप्टिकल मटीरियल, ऑफ द मटीरियल या ऑप्टिकल मटीरियल मटीरियल ऑफ द प्लेट, ऑफ द प्लेट ये पार्ट्स की होगी तो पार्ट्स का है और अगर ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का होगा, तमाम तरह की स्केल मिट्टी की स्केल बनती है, लकड़ी की स्केल बनती है, तमाम तरह की स्केल्स हैं, बहुत से टेलर्स होते हैं वो जो नॉर्मल रिबन होते हैं उसी में निशान बना लेते हैं, जैसे तो बहुत से सब्जी बेचने वाले बाट सरकारी नहीं खरीदते, पत्थर का तोड़ तोड़ करके बना लेते हैं, कहते हैं बट्टा रख दीजिए तो बट्टा या वेट को आप देखते हैं 50 ग्राम 100 ग्राम पूरा एरिया में जाएंगे तो कंकड़ को तोड़ करके उसी को 50 ग्राम बताते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, एक बार तोड़ा दूसरे तोला, तो ऐसे ही तमाम जो टेलर्स होते हैं वो कपड़े का स्केल में इस्तेमाल करते हैं, मोल्डिंग फोल्डिंग होती है, आजकल बाजार में प्लास्टिक के मोल्डिंग फोल्डिंग आ गए हैं, लेकिन लोहे के स्केल नॉर्मली हार्ड होते हैं, तो जो भी इस मटेरियल लेंगे आप पत्तियों का स्केल बना सकते हैं, लीफ का स्केल बना सकते हैं, सुना है अगर कोई बैम्बू किया इस तरह की कोई लीफ ले ले और उसको स्केलिंग कर दे, तो अभी तो पीपल के पत्ते में या तमाम पत्ते में अपनी फोटो देखी होगी, लेकिन तमाम पत्तों में स्केल बन जाती है, या बहुत से प्लांट्स की जो मीन्स हैं लीफ की दे कैन बी यूज एज स्केल, तो बच्चा स्केल भी कम ज्यादा हो जाएगा, पहले दिन नापा आपने तो आपका शर्ट बड़ा हो गया, दूसरे दिन नापा तो छोटा हो गया, तो रोज शर्ट भी बदलती रही है, तो इस तरह के उसको इस्तेमाल करने नहीं करते हैं, तो दैट इज ऑप्टिमल मटेरियल ऑफ स्पेस थिकनेस ऑफ द प्लेट
of the flame. Now, further we assume that, R be the angle of incidence at the lower surface, of the plate, and I be the angle, I represents the emergence angle, emergence angle at the upper surface, तो ट्रांसमिटेड रे है, किसी भी ट्रांसमिटेड रे को देखिए, ये ट्रांसमिट हुई थी, यहाँ से चली इतनी आई, इस ट्रांसमिटेड रे को देखेंगे, यहाँ से चली, इसको देखें, इस सभी ट्रांसमिटेड रे में कांस्टेंट जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जितनी भी रे हैं, तो फ्रॉम इट कैन बी नोटिस फ्रॉम द फिगर, each transmitted ray travels a constant path inside the plate during the internal reflection, या कह सकते हैं inside the plate. इसके बाद यानी इनमें सब में फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो गया, क्योंकि जितना फेज एक का उतना दूसरे का हो गया. फ्रॉम द थियरी ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस path difference between the two rays, will remain constant. A constant over the path, then the path difference is given by the path difference, and the path difference is given by ये कुछ था. तो path difference word चाहे अगर आपको नॉलेज दिया हो, डेल्टा करके लिखते हैं इसको, ये ऐसे को लिखा जाता है. दिस इज नथिंग प्राइस म्यू रिपीटनेस इनटू टी. अब एक पास आप आर हो जाए तो सुन लो, ठीक है. हम जरा एक क्वेश्चन नंबर का था, क्वेश्चन लंबे हैं तो देख करके डालेंगे इसे, कि ये जो है ये क्वेश्चन इसकी मुझे दुनिया की सरकार की टारगेट भी. तो नाउ देयरफॉर कंडीशन बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आप प्रिंसिपल देखना चाहते हैं तो डार्क और लाइट मिलेगा, इंटरफेरेंस दोनों तरह का हो सकता है. देयरफॉर द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, द कंडीशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस आपने पढ़ा था शायद, सीधी का स्प्रिंग का का इक्वल टू एन डेल्टा होना चाहिए. वेयर एन इज दी ये इंटीजर वैल्यू हो सकती है इसकी, 0 प्लस 1 2 3 तरह. वेयर एन इज दी ऑर्डर ऑफ दी फ्रिंजेस कहलाता है, ठीक है. ऑर्डर ऑफ दी फ्रिंजेस यानी दी ऑर्डर ऑफ दी फ्रिंजेस एंड कैन हैव पहले वो वैल्यू होनी चाहिए थी, कैन हैव इंटीजर वैल्यू मतलब क्या होगा, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3. आप एक तरफ रखें तो प्लस होगी, दूसरी तरफ रखेंगे तो माइनस होगी. तो इंटीजर हमने इसके लिए लिखा है 0 प्लस माइनस 1 0, हमने पूरा जो है पॉजिटिव साइड को कंसीडर किया है. दिस इज द मास्टर इक्वेशन. नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 1 है, शायद इसको लिखा है इक्वेशन नंबर 1 है.
ये मास्टर इक्वेशन है, तो इसको इसमें से क्या करें, इस इक्वेशन को हम आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसके बीच में प्राम डी स्नेल्स का प्राम डी साइंस का ताओ एक्स और इसको दिस इक्वेशन में भी रिटेन है, यहां पर लिख दें दिस इक्वेशन में भी रिटेन है, में भी रिटेन है, इक्वेशन को लिख सकते हैं ये ट्वाइस म्यू इनटू पी है, इसको हम ब्रैकेट में साइन की तरह ले सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ये आ गया इज इक्वल टू क्या बात है, आगे चलते बात करेंगे ये इज इक्वेशन में इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से मार की तो ये इक्वेशन आ गई। नाउ द राम राम ने स्नेल्स का राम ने स्नेल्स का स्नेल्स का यानी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है जा रही है तो इक्वेशन का जो ला है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट का है, स्नेल्स का व्हिच इज रेट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड फ्रॉम स्नेल्स का वी हैव ये कुछ वी हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ग्रेडिएंट इंडेक्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इंडेक्स ऑफ द मीडियम म्यू है इज नथिंग साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर ए एंगल आई और आर। नाउ इस क्वेश्चन को तो जिससे साइन ऑफ आर की वैल्यू निकाल लीजिए हम ऊपर वाले क्वेश्चन में रखना चाहते हैं, देयरफॉर साइन ऑफ आर इक्वल टू साइन देयरफॉर साइन ऑफ आर इक्वल टू साइन ऑफ आर इक्वल टू sin of i upon mu है, this is this simplest equation, so substituting and putting this value in equation in putting this value in the above equation we get आपको कुछ मिल गया, इसको रखेंगे इस equation में, देखिए price mu into e और ये bracket में आ गया ये 1 माइनस यहां पर sin स्क्वायर r है इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर i अपॉन म्यू स्क्वायर ठीक है इक्वल टू tan लैम्डा। इस इक्वेशन को जरा सिंपलीफाई करें, ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर, ये म्यू स्क्वायर जो बाहर निकल के आ गया तो म्यू म्यू कट गया, व्हाट यू विल गेट 2t दिस इज द अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर i इक्वल टू tan लैम्डा। ये क्वेश्चन जा बता रहे कि आपको इंटरफेरेंस कैसे होगा। नाउ इस क्वेश्चन को जरा आगे बढ़ाएंगे, इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर को डालेंगे तो उसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ कैन बी कोरिलेटेड इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिकली टू सी अंडर रूट रूट माइनस जरा आज के लिए अंडर रूट का फैशन खत्म हो गया तो इसलिए क्या करते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर ऑन बोथ साइड इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म बाय दी एलजीब्रेक एंड इज नोन एज इंटरफेरेंस इक्वेशन फॉर दी इक्वेशन इज नोन एज इंटरफेरेंस इक्वेशन फॉर दी एलजीब्रेक चाहे स्क्वायर है ये चाहे एलजीब्रेक के साथ इंटरफेरेंस था उसको इक्वेशन इज नोन एज दी इंटरफेरेंस इक्वेशन या इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर बाय दी या दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। एक छोटी सी बात आ गई कोई इंटरफेरेंस की, अब ये इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा, इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ चीजें आ गई सो कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर डिस्पर्सिव पावर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। कब हो सकता है क्लास कल थोड़ा सा टाइम आप एडजस्ट करिएगा, अच्छा तो 12 बजे के बाद जो आपको सूट करे खा पी करके आइए।
एक बजे।